स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा, सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है, हर एक माफिया की कमर तोड़ डाली। अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, थ्री व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए, कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा, उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गामार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चला, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है, इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा, कई कई किलोमीटर तक हम लोग देखते हैं ट्रक्स खड़े हैं हाईवे के किनारे, क्यों खड़े हैं? बहुत बार एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं ये। सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा, नियमित पेट्रोलिंग करना, उनके लिए पार्किंग का स्पेस उपलब्ध करवाइए, अन्यथा वो सड़क पर चलते रहें। ढाबा भी अगर पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है तो ढाबा को भी, इस प्रकार के अवैध ढाबों को भी आप सड़क के किनारे से हटाएंगे। ओवरलोडिंग को रोकने की कार्रवाई, जहां से ओवरलोडिंग हो रही है उसी केंद्र पर रोकना। ऐसा नहीं कि आप सड़क पर लेके आ रहे हैं और सड़क पर लेकर आने के बाद फिर सड़क पर अवैध रूप से जाम लग रहा है, लंबा जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है कि 5 टन की क्षमता है तो उसमें 15 टन नहीं जाएगा या 10 टन नहीं जाएगा। सड़कें खराब होती हैं और फिर उसके बाद जहां मर्जी आती है वहां वो अपना ट्रक और अपना वाहन खड़ा करके शेष अन्य लोगों के भी आना जाने को पूरी तरह बाधित करते हैं। सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। ओवर ब्रिजेज या फ्लाई ओवर के ऊपर जो स्टंट होते हैं, जो युवा स्टंट कर रहे हैं अपने बाइक से, हर हाल में इसको रोकना। बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता। 1 सप्ताह अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाइए, पहले अवेयरनेस और फिर अगर अवेयरनेस के बाद आपको लगता है कि अब हमें इन्फोर्समेंट की आवश्यकता होती है तो उसके बाद फिर हमें इस कार्यक्रम को उसके बाद फिर आगे बढ़ाना चाहिए। आरटीओ के कार्यालय दलालों से मुक्त हो कि जो वह ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, हम ऑनलाइन तो दें लेकिन इस बात को सुनिश्चित करें कि ट्रैक पर भी हम उनकी एक बार देखें कि वह इस योग्य है कि नहीं है कि हम उसे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकें, अन्यथा खैरात के भाव बांटने की वो बंद करिए और आरटीओ के कार्यालय दलालों से मुक्त हो, किसी भी प्रकार की दलाली की गतिविधि वहां ना चले। स्पीड ब्रेकर बनते हैं सड़कों पर, एक कमर तोड़ू ना बनाए, एक टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बने, अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन साथ साथ हम अगर मार्किंग करते हैं वहां पर तो स्पीड अपने आप लिमिट हो जाती है, लेकिन जब वह कमर तोड़ू बनाते हैं तो कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है उसके लिए बड़ा, या कोई बच्चा है, कोई गर्भवती महिला है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कहीं भी हमें ये कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर नहीं दिखने चाहिए, इनको हटा दीजिए, जितनी जल्दी हटाइए उसको। अब देखा गया कि आज नगर पंचायत भारत चौराहे से लेके तमाम और रोडों पे जो अतिक्रमण है उसके लिए आपने काफी लोगों से रिक्वेस्ट किया है, तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताएं। देखिए, शासन के निर्देशानुसार आज नगर पंचायत भारतगंज में अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया था, जिसमें जन जागरूकता विशेष पहल थी कि सबको ये समझाया जाए कि जिसने भी अतिक्रमण किया उस होता है उसको संज्ञान लेते हुए हटा ले। दूसरी चीज, यातायात नियमों का पालन, रोड पे अवैध तरीके से या गलत तरीके से पार्किंग, और तीसरी चीज प्लास्टिक बैन। इन तीनों को लेके संयुक्त रूप से पुलिस टीम के साथ
चौक इंचार्ज भारतगंज के साथ एक अभियान चलाया गया था, उसी सिलसिले में सब कुछ था। जैसा कि ये तो पहले भी कई बार किया जा चुका है। नहीं, पहले कभी प्लास्टिक बैन के लिए किया गया है, कभी पुलिस की अलग से टीम जाती है, कभी नगर पंचायत की अलग से टीम जाती है, संयुक्त टीम बहुत दिन बाद या हमको लगता है पहली बार ही इस तरह का एक संयुक्त अभियान किया गया। तो आज लोगों से आपने जो रिक्वेस्ट किया है जी, इसके बाद भी मान लो कुछ नहीं करते हुए लोग अपने साथ क्या कार्रवाई करेंगे आगे? देखिए, शासन के निर्देशानुसार अतिक्रमण बिल्कुल भी वैध नहीं है और उसको विधिक कार्रवाई करते हुए तोड़वाया जाएगा, हटवाया जाएगा, किसी भी स्थिति में उसको रहने दिया जाएगा। क्या उनको कुछ आपने मोहलत दिया है क्या? नहीं, हमने उनको 24 घंटे का समय दिया कि आप 24 घंटे में स्वतः उसको हटवा ले, नहीं तो फिर मुझे ही। तो ये माना जाए कि आपने 24 घंटे जो समय दिया है उसके बाद आप परसों भी जाके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा जाएगा। जी बिल्कुल जी। और आपने कुछ दुकानों पे काफी देखा कि तलाशी लेते हुए प्लास्टिक का जो बैन है आपने बताया अभी, तो उस पर कुछ कार्रवाई की आपने? जी, एक दुकान पे प्लास्टिक मिली, भारी मात्रा में प्लास्टिक थर्माकोल के बर्तन मिले जी, उस दुकान पे 10,000 का चालान किया गया जी। 10,000 चालान किया गया, और साथ में ये भी दिखा गया कि आपके साथ जो नगर पंचायत भारतगंज के जो चौकी प्रभारी है अभी जो नया आए हुए हैं, वो गाड़ियों का चालान कर रहे थे। नहीं जी, क्या दोनों मुहिम एक साथ था क्या? नहीं, हमने आपसे बताया ना कि हमारा जो पार्किंग को लेके, प्लास्टिक को लेके, अतिक्रमण को लेके तीनों के साथ एक अभियान चल रहा था। अच्छा। क्योंकि शासन के निर्देशानुसार प्रशासन और पुलिस एक साथ मिलके अभियान चलाने वाले हैं। अच्छा। तो इसलिए हम लोग साथ में थे, चौकी प्रभारी साथ में थे, और गाड़ियों का चालान, चूंकि गाड़ियों का चालान वही करते हैं। तो कुछ जानकारी आपको है इसके बारे में, कितनी गाड़ियों का चलान हुआ होगा? मुझे जहाँ तक जानकारी है 5 गाड़ियों का चलान हुआ और लगभग 3,500 रूपए वसूल किए गए। ये 4-व्हीलर होगी? 4-व्हीलर, 2-व्हीलर मिला, दोनों मिला के 5 गाड़ियों की जी। तो आगे आप नगर पंचायत भारतगंज के वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? नगर पंचायत भारतगंज के वासियों से बस मेरी यही अपील है कि पॉलीथीन बैन है, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। अगर किसी ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नालियों पे किया हुआ है या सड़क पे किया हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति पे किया हुआ है, तो उसको प्लीज खाली कर लें। और तीसरी चीज, जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं वो इतना इंश्योर कर लें कि उनके दुकान में जो भी ग्राहक हैं, कम से कम वो उनसे इतना कह लें कि भाई साहब, आप लोग गाड़ियाँ रोड से थोड़ा किनारे खड़ी करें। अक्सर देखने में आता है कि जो भी विक्रेता मतलब खरीदार आते हैं वहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। तो ये अपील विशेषकर व्यापारियों से है कि कम से कम उनसे ये अपील कर ले जो उनके यहाँ खरीदार आए, कि भाई साहब, आप लोग गाड़ियाँ थोड़ी सी किनारे खड़ी कर ले, ताकि आवाजाही में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये पैसे क्यों दिया जा रहा है? ये पॉलीथीन अभी मैं बताता हूँ। पॉलीथीन लिखती है इनके यहाँ लगभग 25 किलो। अच्छा, ठीक। सरकारी नियम से लेके जा रहे हैं। देखो भैया, गाड़ी कितनी खड़ी है? भैया देखिए, अपने दुकान के सामने आप लोग गाड़ी नष्ट कर रहा है, और ये बताइए आपने नाली पे टूटेगा।
अरे वो अलग है, खाली का इस्तेमाल नहीं होना है। मैं गाड़ी नहीं बना रहा हूँ, बस आपको रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है। अरे सुनिए आप मेरी बात, मैं रिक्वेस्ट ये है कि तो वाली के कोई और व्यवस्था करवाइए। आप अकेले में दुश्मन थोड़ी है, मैं तो आपको पहली बार मिल रहा हूँ। इधर नाली किधर है? इधर नाली नहीं है, नाली आगे पीछे वो कब्जा कर लिए मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात नहीं तो अंदर अरे यार कोई नहीं जाए। अरे यार सारे लोग लगाओगे तो सारे लोग वहीं जाएंगे, सारे लोग लगाओ। हाँ सर, ये बताओ, हाँ सर, जहाँ फल मिलता वहीं जाते हैं ना सारे लोग? ठीक है, सब्जी मिलती है, सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं ना? हाँ सर। तो जब सब्जी मंडी वहीं हो जाएगी तो वहीं जाएंगे ना लोग, वहीं जाएंगे ना लोग। यार तुम रोड बेचोगे सर, एक आम आदमी को खराब हफ्ता हम लोग हर आपसे कह रहे हैं कि एक हफ्ता हम लोग लगा के देखे। अगर कोई तुम अगर आप लगाना तो शुरू करो भाई, लगाना शुरू करो। जो समस्या में बैठा हूँ कार्यालय में, आप आइए मेरे पास अगर कोई समस्या हो तो आप लगाना शुरू कीजिए। बहस नहीं करें आपसे, हम बहस करके कहाँ रहेंगे? भैया आपसे ये उम्मीद है कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये राम जानकी मंदिर तीर मोहानी एरिया नगर पंचायत यानी कोई जगह बचा नहीं नगर पंचायत भारतगंज का जो रोड पे एरिया है कि कोई एक जगह हो ऐसा जहाँ पर नगर पंचायत भारतगंज के ईओ या तो हमारे जो उनके साथ में दिख रहे हैं चौकी प्रभारी दुर्गेश सिंह साहब खड़े ना हो, हर जगह खड़े होकर सबको इस बात की तम्मी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि नालियों पे से अतिक्रमण को हटाइए। आप ये देख सकते हैं हर एक दुकान पे हर एक जगह इनका रुकना हो रहा है, कोई ऐसा दुकान नहीं यहाँ बचा जो अतिक्रमण न किया हो। शायद अभी तक तो फिलहाल नहीं नजर आया, आगे देखते हैं आगे चल के कि किसी एक दुकान को छोड़ा भी जाता है, कोई अतिक्रमण किया है या नहीं किया है, कोई एक तो आदमी मिलता नहीं।
दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।